Assalamu alaikum. Today in the course Mycology and Plant Pathology, we are going to study Ascomycota. Ascomycota has been shown to be the largest phylum of fungi as compared to other phyla, that is Cretidomycota, Zygomycota, Basidiomycota and Deuteromycota. In this, हमने बाकी तीनों पढ़ लिए हैं. Ascomycota हम अब पढ़े हैं. Deuteromycota जो है वो हम अभी पढ़ेंगे. Next topic में. With well over 33,000 species identified and named, while many others are yet to be described. This phylum is also morphologically diverse with species that range from single-celled organisms to multicellular cup fungi. Single-celled is yeast वगैरह हैं, ठीक है? While a majority of Ascomycota species reproduce asexually, sexual reproduction has also been identified in some phases of reproduction. Some of the organisms that belong to this phylum include yeast, verticillium, Pezizomycotina, Libellulinales, ये इसका order है, Monascus, Aspergillus, Nidulans. Somatic structure. With regard to morphology, some species are unicellular while others are more complex. Yeast is a good example of unicellular Ascomycota. Yeast जो है ये at times मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है बाय अ प्रोसेस नोन एज डायमॉर्फिज्म. इन सच केसेस यीस्ट सेल्स लाइक कैंडिडा यीस्ट प्रोड्यूस हाइफी एंड सूडो हाइफी एंड दस अपीयर मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंगल सेल्ड यीस्ट. इन दिस स्टेट द ऑर्गेनिज्म हैव बीन शोन टू बी पैथोजेनिक. इस स्टेट में अदरवाइज यीस्ट पैथोजेनिक नहीं होती, लेकिन इस डायमॉर्फिक स्टेट में ये पैथोजेनिक हो जाती है. On the other hand, some like Allura or Anchia, also known as orange peel fungus, आपने देखी होगी orange peel पे एक fungus आ जाती है. जब वो गलना शुरू होता है तो उस पर पहले whitish और फिर greenish color के जो spores हमें नज़र आते हैं, ठीक है. This is a good example of multicellular Ascomycota. Like Basidiomycetes, some members of Ascomycota also live in symbiotic relationship with algae and cyanobacteria, ठीक है. और mycorrhizal species भी इसमें हैं जो कि एक symbiotic association है fungus का with plant roots. और जो symbiotic association है algae and fungi का, algae and Ascomycota का, उसमें you know well के algae जो है वो food provide करती है fungus को और fungus जो है वो shelter provide करती है algae को. और mycorrhizal species में again जो fungus species होती है, जो Ascomycota की species mycorrhizal relationship में roots के साथ associated होती है, वो रूट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है दूर दूर से, रूट्स के जोन से भी दूर तक अपने माइसीलियम के जरिए, हाइफी के जरिए, और रूट्स उसको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. सो नेक्स्ट इज द कैटेगरीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. Ascomycota इज डिवाइडेड इनटू सेकारोमाइसीट्स. सेकारोमाइसीट्स में यीस्ट्स आ जाती हैं. एंड सेकेंड कैटेगरी इज माइसीलियल Ascomycetes जो कि मल्टाई सेलुलर हैं, ठीक है. सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड वर्नन बॉडीज. वर्नन बॉडीज़ जो हैं ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. यू कैन सी द डेफिनेशन, मैंने इसकी जो है वो नीचे दी हुई है डेफिनेशन के वर्नन बॉडीज़ जो हैं वो क्या होती हैं. दीज आर एक्चुअली पेरोक्सिज़ोम डिराइव्ड डेंस कोर माइक्रो बॉडीज. दे आर फाउंड नियर द सेप्टी, जो सेप्टम होते हैं उसके करीब ये वर्नन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. वन एस्टेब्लिश्ड फंक्शन इज द प्लगिंग ऑफ द सेप्टल पोर्स आफ्टर हाइफल वूंडिंग. यानी जब हाइफी ऑफ Ascomycota जो है उसको कोई वूंडिंग होती है, कोई जख्म आ जाता है, मतलब कोई डैमेज होता है, तो उस वक्त ये जो वर्नन बॉडीज हैं ये सेप्टल पोर्स को प्लग कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ताकि साइटोप्लाज्म लॉस ना हो. इंजरी की साइट जो है वहाँ से साइटोप्लाज्म बाहर ना निकले सेप्टा में से, तो ये उसको क्लॉग कर देती हैं. अदर देन वर्नन बॉडीज, डाइकैरियोटिक फेज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट. जो हमने पिछली टाइप्स में भी पढ़ा है कि इसमें भी जो फंगस है वो अपने लाइफ साइकिल के ज़्यादा फेज में डाइकैरियोटिक रहती है, एज वेल एज सेप्टल पोर्स जो हैं वो भी इसका इम्पॉर्टेंट फीचर हैं. हैबिटेट ऑफ Ascomycota आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स. सम स्पीशीज लाइक यीस्ट कैन बी फाउंड इन द बॉडी ऑफ द होस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स.
जब वो पैथोजेनिक होती हैं, ठीक है, वाइल दे कॉज डिजीज अदर अदर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लाइक एल्यूरिया और एनशिया आर टेरेस्ट्रियल एंड कैन बी फाउंड ग्रोइंग ऑन हैबिटेट्स विद वार्म्थ, मॉइस्चर एंड डिकेइंग मैटर. स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइकोटा कैन बी मेरीन लाइक डेकोरोस्पोरा, गॉर्डर फ्रॉई, जुलेला एविसिनियाई, मेसेरिना, एंड वाइल सम टाइप्स आर माइकोराइजल. रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल जो यीस्ट्स हैं उनमें सिंपली माइटोसिस के जरिए होती है, बटिंग इसमें होती है एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में, ठीक है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के बाद जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स चूंकि मियोटिक होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और फिर फ्यूज होते हैं विद कंपैटिबल अनदर कंपैटिबल स्पोर एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल. और जैसे ही वो डिप्लॉइड सेल जो है वो मैच्योर होता है, बडिंग अगेन स्टार्ट हो जाती है और फिर से टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर से वो इसी तरह से फ्यूज करते हैं विद अपोजिट स्ट्रेन ऑफ बर्ड. तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दीज आर द कोनिडियोफोर्स, ठीक है, और इसमें माइटोसिस होती है, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो जर्मिनेट करेंगे और अगेन वो माइसीलिया में डिवेलप हो जाएंगे. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी दैट एंथीडियम एंड एस्कोगोनियम आर प्रोड्यूस्ड ऑन द माइसीलियम. प्लाज्मोगैमी एंड माइटोसिस अकर्स, द एस्कोगोनियम एंड एंथीडियम फ्यूज, माइटोसिस एंड सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी डायकैरियोटिक हाइफी विच फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प. एस्कोकार्प जो है वो एस्कोमाइकोटा की स्पेशलाइज फ्रूटिंग बॉडी है. एसाई आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दिस फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प. एसाई फॉर्म एट द टिप्स ऑफ दीज हाइफी. यू कैन सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्कोकार्प, ठीक है. अब इस एस्कोकार्प में यहाँ पे ये एंथीडियम आर्चिगोनियम प्रोड्यूस हुए हुए हैं और इसकी टिप्स पे ये जो एसाई है वो ये हाइफी प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी टिप्स पे ये एसाई ये जो हाइफी हैं दीज आर नोन एज एसाई. सिंगुलर इज एस्कस लेबल्ड हेयर. देन पहले प्लाज्मोगैमी हो गई, ठीक है, और माइटोसिस होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी. द न्यूक्लियाई इन द एसाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है, कैरियोगैमी नहीं हुई. टू डिफरेंट ब्लू और रेड कलर में आपको जो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं इट मीन्स कि ये टू डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई हैं, एक के ब्लू कलर में शो किए हुए हैं, एक के रेड में. अब यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड, ठीक है, कैरियोगैमी के बाद. देन मियोसिस विल टेक प्लेस एंड एस्कस विद फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड लाइक दिस, एंड देन माइटोसिस एंड सेल डिवीजन विल टेक प्लेस. एट हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, दीज आर द हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स. सो मेजर पार्ट जो है इसका वो आप देख सकते हैं कि ये डायकैरियोटिक फेज में है, ठीक है, दीज आर द डायकैरियोटिक फेज. यहाँ पे सिर्फ इसका डिप्लॉइड फेज आया है, उसके बाद फिर जो है ये हैप्लॉइड फेज में चला गया है ऑर्गेनिज्म. दीज आर सम एग्जाम्पल्स, लाइक दीज आर द यूनिसेलुलर एस्कोमाइकोटा यीस्ट, दीज आर द फिलामेंटस एस्कोमाइकोटा मोल्ड, एंड दीज आर द एस्कोमाइकोट्स विद फ्लोटिंग बॉडीज. दिस इज अ मॉरल, ठीक है, दिस फंगस इज नोन एज मॉरल, और दीज आर द कप शेप फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है. ये एक एस्कस है, कप फंगस में, कप फंगस किसी भी एस्कोमाइकोटा मेंबर को कहते हैं, और ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है. दिस इज एस्कोमेटा और एस्कोकार्प. इस एस्कोमेटा या एस्कोकार्प के अंदर यू कैन सी मैनी एसाई लेबल्ड हेयर. ये इसके जो बेस है यहाँ पे ये माइसीलियम अराइज हो रहे हैं, ठीक है, और यहीं पे बेस में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जो हैं वो डिवेलप होंगे. देर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज दैट इंक्लूड क्लाइस्ट्रोथीशिया, पेरीथीशिया, एपोथीशिया एंड सूडोथीशिया. एस्कोमाइकोटा इज क्लासिफाइड इंटू सिक्स क्लासेस, हेमी एस्कोमाइसीड्स, प्लेक्टोमाइसीड्स, पायरिनोमाइसीड्स, डिस्कोमाइसीड्स, लॉक्यूलो एस्कोमाइसीड्स एंड लबाउल बीनियोमाइसीड्स. हेमी एस्कोमाइसीड्स में कोई एस्कोकार्प नहीं बनता, एसाई कम फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स. प्लेक्टोमाइसीड्स में एस्कोकार्प इज अ क्लाइस्ट्रोथीशियम. विद क्लाइस्ट्रोथीशियम में क्या होता है, इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग थ्रू विच एस्कोस्पोर्स एस्केप.
बल्कि इसकी जो वॉल है वो रपच्चर होती है जब एस्कोस्पोर्स ने एस्केप करना होता है. दीज एस्कोमाइसीट्स रिलाई ऑन फिजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ द एस्कोकार्प. देन पाइरिनोमाइसीट्स, एस्कोकार्प इज अ पेरिथीशियम विच हैव एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियोल. देन डिस्कोमाइसीट्स, इन डिस्कोमाइसीट्स एस्कोकार्प इज एन एपोथीशियम ऑन विच एसाई आर एक्सपोज अपॉन मेच्योरिटी. द एपोथीशियम इज एन ओपन और कप लाइक स्ट्रक्चर जैसे ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया था अपॉन विच एसाई आर फॉर्म्ड. लोक्यूलो एस्कोमाइसीट्स हैज एस्कोकार्प एज सूडोथीशियम विच इज सिमिलर टू पेरीथीशियम. बाय न्यूक्लिएट एसाई होते हैं इसमें. देन लेबाउल बीनियोमाइसीट्स, इट हैज एस्कोकार्प पेरीथीशियम. इट लैक्स ट्रू माइसीलियम एंड इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स. द मेंबर्स ऑफ लेबाउल बीनियोमाइसीट्स आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स. सॉरी, दिस इज नॉट बाय न्यूक्लिएट, दिस इज बाय ट्यूनिकेट. बाय ट्यूनिकेट एसाई आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सूडोमाइथीशियम एंड ऑफ दिस क्लास. बाय ट्यूनिकेट एसाई में क्या होता है कि जो इसकी एस्कस वॉल होती है इट हैज़ टू लेयर्स. आउटर वन इज थिन जो कि पहले रपच्चर होती है जब स्पोर्स रिलीज होने होते हैं, और जो इनर वन है वो थिक होती है और वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और फिर ऊपर की तरफ स्वेल होती है और उसके उसमें जाके जो एस्कस स्पोर्स हैं वो जमा हो जाते हैं जो उसकी बल्जिंग होती है और फिर वहाँ से वो रिलीज होते हैं उसके रपच्चर होने से. The order Erysipelas and Pedicellas are included in our syllabus. Erysipelas जो order है इसमें single class है Erysiphaceae, और many of them cause powdery mildews of plants. Powdery mildews या Erysipelas के जो member हैं these are obligate parasites of flowering plants. Example is Blumeria graminis or Erysiphe graminis. This is the only grass पे अटैक करने वाली स्पीशी. कॉर्न मिल्ड्यू, कॉर्न पे जो अटैक करती है. ठीक है, यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम के ये पाउडरी सा आपको मैस जो है ये नज़र आ रहा है इसके लीफ पे. दिस इज ड्यू टू द अटैक ऑफ दीज Erysipelas मेंबर्स. इन्फेक्शन इज टिपिकली सुपरफिशियल. माइसीलियम जो है वो ए प्रेसोरिया फॉर्म करता है. एप्रेसोरिया के जरिए सरफेस होस्ट सरफेस से अटैच होता है और इंट्रा सेलुलर होस्टोरिया के जरिए होस्ट सेल में एपिडर्मल सेल्स में पेनिट्रेट करता है. होस्टोरिया जो है उनकी स्वोलन टिप भी हो सकती है और ये मैकेनिकल या एंजाइमेटिक दोनों में से किसी भी तरीके से होस्ट सेल्स में पेनिट्रेट करता है. एंजाइमेटिक ये कि वो एंजाइम्स के जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के जरिए क्यूटिकल या सेल वॉल को डिजेनरेट करेगा और अपना रास्ता बनाएगा उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, या मैकेनिकल तरीके से कि जो भी उसको पाथ मिलेगा उसमें से एंटर हो जाएगा. बट इन ब्लूमेरिया ग्रामिनिस इट इज़ ब्रांच इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस. यानी ये जो होस्टोरियम है यूजुअली ये सिंपल होता है, स्वोलन हाइपर टिप होती है, लेकिन ब्लूमेरिया ग्रामिनिस जो कि कॉर्न का पैथोजिन है पाउडरी मिल्ड्यूज में, उसमें ये ब्रांच या फिंगर लाइक प्रोसेसेस में होता है. और सब पाउडरी मिल्ड्यूज़ में सब पाउडरी मिल्ड्यूज़ जो हैं ये सुपरफिशियल नहीं रहते. कुछ जो हैं उनमें ये अंदर तक भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, डीपली डीप लीफ टिश्यूज तक, ऑफन वाया स्टोमेटा. द एग्जांपल्स आर लेविलुला, फाइलेक्टिनिया एंड प्लोचीटा. फाइलेक्टिनिया जो है ये हमारे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. इन रिप्रोडक्शन ऑफ Erysipelas, एसेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल स्टेट इज एनामॉर्फ एंड सेक्सुअल स्टेट इज टीलोमॉर्फ. सो फर्स्टली हेयर कम्स एसेक्सुअल स्टेट दैट इज एनामॉर्फ. इसमें क्या होता है कि वाइट पाउडरी पैचेज हमें नज़र आते हैं लीफ पे, जैसे ऊपर मैंने आपको डायग्राम पिक्चर में दिखाया. ठीक है, वो वाइट पाउडरी पैचेज जो हैं वो कोनिडिया के होते हैं. कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, दिज आर एसेक्सुअल स्पोर्स, माइटोसिस के जरिए बनते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ी हुई हैं डिटेल में. कुछ स्पीशीज़ के जो कोनिडिया हैं उनके अंदर फाइब्रोसिन बॉडीज़ होती हैं. ये जेनेरिक आइडेंटिफिकेशन में, यानी जनरा के आइडेंटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इनकी शेप और इनकी फॉर्म्स जो हैं उसकी बेस पे जनराज जो हैं उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है. उनको मतलब एक जनरा को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कराती हैं, अलग कराती हैं, और अलग जीनस में उस को प्लेस किया जाता है ऑर्गेनिज्म को.
टीलोमॉर्फ जो है ये एनामॉर्फ के ये सेक्सुअल स्टेट के एसेक्सुअल स्टेट के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके बाद भी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। यू कैन सी दीज ब्लैक स्पॉट्स अलॉन्ग विद दीज वाइट पाउडरी मैस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टीलोमॉर्फ या सेक्सुअल स्टेट जो है वो एसेक्सुअल स्टेट के अलॉन्ग साइड प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्लांट में इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है वो क्लाइस्ट्रोथीशियम होती है। यू कैन सी दिस क्लाइस्ट्रोथीशियम में आपको पता है कि इनक्लोज्ड होते हैं स्पोर्स या एसाई जो हैं, और ये बिल्कुल एक राउंडेड बॉडी होती है जिसमें कोई ऑस्टियोल नहीं होता, लेकिन अंदर से जब हम इसकी एसाई की ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं तो वो लाइक पेडिसीशिया होती है, जैसे उसको एक ऑस्टियोल की प्रेजेंस डिफाइंड विच आर हाउएवर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑस्टियोल। सो द टर्म चेस्मोथीशियम इज़ ऑल्सो यूज फॉर पाउडरी मिल्ड्यूज और पाउडरी एस्कोमाइकोटा। के आउटरली तो ये क्लाइस्ट्रोथीशियम ही होती है, लेकिन इनके अंदर जो एसाई की अरेंजमेंट है दैट इज़ लाइक पेडिथीशिया, तो इसके लिए चेस्मोथीशियम की टर्म जो है वो यूज़ होती है। यू कैन सी दिस क्लाइस्ट्रोथीशिया ऑन द लीव्स हेयर एंड दिस इज द एनलार्ज व्यू ऑफ द सेम। यू कैन सी दिस राउंडेड बॉडीज। यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स कवरिंग द क्लाइस्ट्रोथीशिया, के कुछ ये हाइफी जो हैं ये क्लाइस्ट्रोथीशिया को कवर कर रही हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस जो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट जनरा में इसको कवर करते हैं क्लाइस्ट्रोथीशियम को। दीज हाइफी में भी यूनिफॉर्म स्टिफ रेडिएटिंग हुक्ड हाइफी, और दे मे बी मल्टीपली ब्रांच टिप्स, और ईच क्लाइस्ट्रोथीशियम कंटेन्स वन और मोर एसाई कंटेनिंग बिटवीन 2 and 8 एस्कोस्पोर्स। नाउ वी विल स्टडी फाइलेक्टिनिया एज अ जीनस ऑफ एरिसिफेलीज ऑर्डर। हमने ये अभी पीछे देखा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइलेक्टिनिया है ये डीप टिश्यूज तक पेनिट्रेट होता है। यू कैन सी दिस, ये स्ट्रोमा के जरिए पेनिट्रेट किया है इसने, ये इसका सुपरफिशियल माइसीलियम है, और यहाँ से ये एंडोफाइटिक माइसीलियम बन गया है, यानी ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट हो गया है, और ये दीज आर द सेकेट हॉस्टोरियम जो कि इसके टिश्यूज़ में पेनिट्रेट हो रहे हैं, ये हॉस्टोरियम टिप्स हैं। रिप्रोडक्शन इन फाइलेक्टीनिया, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ अकर्स इन फाइलेक्टीनिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया, कोनिडियम इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर्स, और कोनिडियम के अंदर कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कोनिडियोस्पोर्स हैं इनकी डिवेलपमेंट और इनकी स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन सेम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, जब हमने फंगस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, द फंगस इज हेट्रोथैलिक एंड द गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन टू क्लोजली लाइंग हाइफी। द मेल गैमेटेंजियम इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल वन इज एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम इज स्मॉल क्लेवेट वन सेल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एस्कोगोनियम इज थिक ओवॉइड वन सेल्ड यूनिन्यूक्लिएट एंड क्लोजली अप्लाइड टू और क्वाइल्ड अराउंड द एंथ्रीडियम लाइक दिस। यू कैन सी दिस इज एस्कोगोनियम फीमेल ब्रांच, और ये भी यूनिसेलुलर है, और दिस इज मेल ब्रांच एंथ्रीडियम, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। वेन दे कम क्लोज तो ये जो वॉल है ये डिसइंटीग्रेट होती है, और एंथ्रीडियम न्यूक्लियस जो है वो एस्कोगोनियम में चला जाएगा, ठीक है, और ये बाय न्यूक्लियर फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। सो यू कैन सी हेयर द प्लाज्मोगैमी अकर्स बट कैरियोगैमी डज नॉट अकर हेयर। देन इन द नेक्स्ट स्टेप कैरियोगैमी विल टेक प्लेस हेयर इन दिस। यू कैन सी द एम्प्टी एंथ्रीडियम लेबल्ड हेयर, ठीक है, और दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग, एंड देन दिस इज द फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम। इसके बाद ये जो ये एस्कोगोनियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और एस्कोगोनियम जो है वो यू कैन सी ये द यंग एसाई ओवर हेयर, ठीक है, ये इनकी जो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, एस्कोजीनस हाइफी बन जाएंगे, ठीक है, और दीज आर द डायकैरियोटिक सेल्स इन द फ्रूटिंग बॉडी। दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी द क्लाइस्ट्रोथीशियम, दिस इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड
ठीक है, ओवल है और इसमें कोई ऑस्टियोल नहीं है। द मेच्योर क्लास्ट्रोथीशियम इज ब्राउन और ब्लैक इन कलर ग्लोबोस विद सेवरल लेयर्ड वॉल एंड बियर्स अपेंडेजेस। ऊपर जो मैंने डायग्राम दिखाई उसमें काफ़ी लेयर्स थी वॉल की। अपेंडेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, इक्वेटोरियल ग्रुप ऑफ रेडिएटिंग अपेंडेजेस विद बल्बस वोलन बेसिस, और या फिर क्राउन ऑफ रिपीटेडली ब्रांच मिसलेज सिक्रीचिंग अपेंडेजेस विद विच हेल्प इन एडहीजन ऑफ द क्लास्ट्रोथीशियम टू द सबस्ट्रेटम। यू कैन सी हियर दीज टू टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस, दीज आर द बल्बस अपेंडेजेस जिनकी स्वोलन बेसिस हैं, एंड दीज आर द सिक्रीटिंग सिक्रीटरी अपेंडेजेस। सिक्रीटरी अपेंडेजेस के जरिए ये अपने ये म्यूसिलेज का एक स्टिकी म्यूसिलेज मैस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू ये अटैच होंगे होस्ट के साथ, ठीक है। एंड दीज आर द बल्बस अपेंडेजेस, फोल्डेड बल्बस अपेंडेजेस। दिस इज द एस्कस हैविंग एस्कोस्पोर्स, एंड दिस इज ब्रांच सिक्रीटरी अपेंडेज। ये सिक्रीटरी अपेंडेज जो है इसको उल्टा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये इसके साथ अटैच है और ये इसकी वो टिप्स हैं जहाँ से ये मिसिलेज प्रोड्यूस करती हैं, जो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ टिप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ बल्बस अपेंडेज विद स्वोलन टिप, इट हैज़ मोर थिक वॉल एंड एट द टिप दिस हैज़ इट हैज़ लेसर थिक वॉल, कंपेरेटिवली थिन। बेस पे इसकी वॉल जो है वो थिक है। नाउ यू कैन सी द लाइफ साइकिल, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू ऑन द लीफ फाइलेक्टीनिया, ऑन लीफ फाइलेक्टीनिया का, ठीक है। ये जो है कोनिडियोफोर बनेंगे, फिर कोनिडियम बनेंगे और फिर जर्मिनेशन होगी, इन्फेक्शन थ्रू स्टोमेटा, और फिर अगेन ये पाउडरी मिल्ड्यू प्रोड्यूस करेगा ऑन द लीफ। फाइलेक्टीनिया का ये साइकिल है, ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस होंगे, एस्कोगोनियम प्रोड्यूस होंगे। एंथ्रीडियम का भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एस्कोगोनियम का भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। एंड एंथ्रीडियम न्यूक्लियस जो है माइग्रेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस टू एस्कोगोनियम विल टेक प्लेस, और फिर ये डायकेरोटिक स्टेज में रहेंगे और फिर डिवाइडेड एस्कोगोनियम, देन एस्को जीनस हाइफी प्रोड्यूस होंगे, देन कैरियोगेमी विल टेक्स प्लेस, और फिर एस्कस जो है वो डिप्लॉयड होगी और जस्ट साथ ही उसके फिर मियोसिस हो जाएगी और एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड देन द एस्को स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड अगेन द इन्फेक्शन साइकिल विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑर्डर इज पेजिजेलीस, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ सब फाइलम पेजिजो माइकोटीना विद इन द सब फाइलम एस्को माइकोटा। इट हैज 16 फैमिलीज, 199 जेनरा एंड 1683 स्पीशीज। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज मॉरल्स, ब्रैक एंड वाइट ट्रफल्स एंड डेजर्ट ट्रफल्स। द पेजिजेलीस आर यूजली सेप्रोबिक और माइकोराइजल हो सकती हैं, पैराजाइटिक हो सकती हैं ऑन प्लांट्स। स्पीशीज ग्रो ऑन सॉयल, वुड, लीव्स, डंग एट्सेट्रा। सॉयल इनहेबिटिंग स्पीशीज ऑफन फ्रूट इन हैबिटेट्स विद अ हाई पीएच एंड लो कॉन्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग डिस्टर्ब्ड ग्राउंड। मॉइस्ट स्पीशीज अकर इन टेम्परेट रीजन्स और एट हाई एलिवेशन। सेवरल मेंबर्स ऑफ सार्कोसिफेसी एंड सार्कोसोमेटेसी आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। देन द टाइप जीनस ऑफ दिस ऑर्डर इज पेजाइजा एंड वी विल स्टडी दिस इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर। माइसीलियम ऑफ पेजाइजा इज वेल डेवलप्ड, फ्रीक्वेंटली पेरेनियल एंड कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ हाइफी। द हाइफी आर ब्रांच एंड सेप्टेट, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। हाइफी आर हिडन फ्रॉम व्यू एज दे रेमिफाई विद इन द सबस्ट्रेटम। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच एक्सट्रैक्ट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ पेजाइजा आर अबव ग्राउंड। देन रिप्रोडक्शन इन पेजाइजा, इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई मीन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स एंड कोनीडिया। कोनीडिया जो है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स स्पोर्स आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडी बोथ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है पेजाइजा में, लेकिन सेक्सुअल ऑपरेटस इज टोटली लैकिंग इन पेजाइजा वेसिक्यूलोसा। इसमें फ्रूटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, सॉरी फ्रूटिफिकेशन होती है, मतलब सेक्सुअल ऑपरेटस लैक होने की वजह से ये नहीं होता कि इसकी फ्रूटिफिकेशन की डेवलपमेंट ही ना हो, बल्कि वो होती है। एंड दैट इज एरियल एंड रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर।
The structural process does takes place. It is extremely simplified and consists in the association of two purely vegetative nuclei in a pair. The adult mycelium consists of a tangled mass of hyphae. Certain vegetative cells in the center of tangled hyphae mass have been seen to possess nuclei which became associated in pairs. These pairs of nuclei are called dikaryons. Okay, different strains. The dikaryotic condition is brought about either by autogamous pairing or by somatogamous copulation between the vegetative cells or the adjacent hyphae of the tangled hyphal mass. These are the fruiting bodies. These are the apothecia of Pisiza, and these are the apothecia of Homaria species. This is the apothecium of Pisiza aurantia. You can see the real picture, cup shaped. ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है. और ये इसका जो डायग्रामेटिक है, कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी. और इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज पेरिडियम द आउटर लेयर. और ये पैराफाइसिस हैं, थ्रेड लाइक. इसके अंदर ये एसआई हैं, ठीक है. ये सब हाइमीनियम है. और इसमें से सिंगल अगर हम एस्कस को लें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ वन एस्कस, दिस इज़ सेकंड एस्कस हैविंग एट एस्कोस्पोर्स इन ईच. और इसके दरमियान में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द पैराफाइसिस. दीज हाइफी आर सब हाइमीनियम हाइफी. This is the graphic representation of life cycle of Pisiza. We will start from here. Pisiza vesiculosa septate mycelium 1N haploid hai, somatogamy hogi, formation of a binucleate cell and then fusion cell with the paired nuclei, then ascogenous hyphae will be formed, then ascus mother cell and yahan tak ye sara dikaryotic phase hai, then karyogamy will occur aur ye diplo phase aa jayega. इसमें एस्कस विद फ्यूजन न्यूक्लियस डिप्लॉयड फेज है, ठीक है. यंग एस्कोकार्प, दिस इज आल्सो डिप्लॉयड फेज. और फिर मियोसिस होगी, साथ ही हैप्लो फेज शुरू हो जाएगा. और मियोसिस के बाद फिर एपोथीशियम विल फॉर्म हैविंग एस आई दैट विल बी हैप्लॉयड एंड एस आई विल हैव एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म द वेजिटेटिव माइसीलियम. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.